अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द वे इन विच हीट इज ट्रैप्ड क्लोज टू द अर्थ सरफेस बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए जो हीट है वो ज़मीन के करीब जाके पकड़ी जाती है, ट्रैप हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, जब वहाँ ट्रैप हो जाती है ज़मीन के पास जाके, किस वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। दीज हीट ट्रैपिंग गैसेस कैन बी इमेजिन्ड एज अ ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड द अर्थ। ये जो हीट ट्रैपिंग गैसेस हैं, यानी ऐसी गैसेस जो हीट को पकड़ लेती हैं, ठीक है, ट्रैप कर लेती हैं, ये इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ को एक ब्लैंकेट से हमने जो है रैप किया हुआ है, डंपा हुआ है। ठीक है, और वो है जी गैसेस। ठीक है, तो वो हमारे प्लेनेट को वार रखती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है और वाटर वेपर्स हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड दैट वार्मिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स टू स्टेबलाइज द अर्थ एटमोसफेयर। साइंटिस्ट ने ये बात पता की है कि जो वार्मिंग इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हेल्प करता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टेबलाइज किया जाए। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट वुड कोलैप्स। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ सरफेस वुड बी 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 59 डिग्री फॉरनहाइट कूलर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो जमीन की सरफेस पे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री कूलर हो जाए। ग्रीन हाउस गैसेज अकर नेचुरली, ये नेचुरली अकरिंग गैसेज हैं। ठीक है, एंड आर पार्ट ऑफ आर एटमोसफेयर मेकअप। ठीक है, हमारे एटमोसफेयर का हिस्सा है। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमोसफेयर हैज़ बिन राइजिंग कंसिस्टेंटली फॉर डिकेयर्स एंड ट्रैप्स एक्स्ट्रा हीट नियर अर्थ सर्फेस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हमारे एटमोसफेयर में। तो इसकी वजह क्या है? जो हमारा हीट ट्रैप होती है सरफेस के पास आकर, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, कॉजिंग टेम्परेचर टू राइज। और इसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑब्जर्व सिंस प्री इंडस्ट्रियल पीरियड बिटवीन 1850 CE एंड 1900 CE। तो ये एक लॉन्ग टर्म पीरियड है हीटिंग का। ठीक है, लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस के, बहुत देर से ये अर्थ सरफेस जो है ये हीट अप हो रही है। और ये कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है? ये 1.5 साल लिखी हुई है। ठीक है, इस टाइम पीरियड से, ये प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों की हरकतों की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से मुख्तलिफ। ठीक है, प्राइमरी फॉसल फ्यूल बर्निंग, फॉसल फ्यूल की बर्निंग की वजह से, विच इंक्रीज हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल्स इन द अर्थ एटमोसफेयर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट ट्रैपिंग जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है अर्थ एटमोसफेयर में। ठीक है, और यही सबसे बड़ी वजह है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।